أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين एडवोकेट फैज सैयद साहब, वैसे परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत उनका अल्प परिचय यह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले इस्लामिक रिसर्च सेंटर यानी आईआरसी की स्थापना उनके अध्यक्षता में हुई थी। जैसा मैंने पहले कहा कि आईआरसी की स्थापना का उद्देश्य यह है कि समाज के अंदर बंधु भाव को वृद्धिंगत करे, समस्याओं का निराकरण करे और हमारे जहनों के अंदर, लोगों के जहनों के अंदर धर्म के ताल्लुक से, समाज के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं उसे दूर करें। इसी उद्देश्य के तहत इस्लामिक रिसर्च सेंटर की स्थापना आज से तकरीबन 10 साल पहले एडवोकेट फैज सैयद साहब के अध्यक्षता में हुई थी। आप आईआरसी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। एडवोकेट फैज सैयद साहब ने अपने तालीमात यानी जो एजुकेशन है उसमें बीएससी के बाद आपने एमसीए किया और उसके बाद आपने विधि की पदवी हासिल की, एलएलबी की पदवी हासिल की और देवबंद से आपने फजीलत की डिग्री भी हासिल की। आपका जो दीन क्रम है उसके अंदर हर दिन आप मुसलमानों में और गैर मुसलमानों में अल्लाह के बंदों का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए तकारीर और व्याख्यान और अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसी का ही आज ये एक भाग है। मैं ज्यादा आपके और उनके बीच में हायल न होते हुए मैं एडवोकेट फैज सैयद साहब को गुजारिश करता हूं कि वो आए और इस्लाम मानवता के लिए एक संदेश इस विषय पर अपने विचार।